बात करते हैं गुजरात की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने शनिवार रात गुजरात के जामनगर में मेगा रोड शो किया। पीएम ने सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जैसे जैसे मोदी का काफिला मंजिल की ओर बढ़ा, लोगों ने मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। बता दें कि आज सुबह पीएम मोदी ने बेट द्वारका मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। पीएम मोदी द्वारकाधीश के दर्शन के बाद नौसेना के जवानों के साथ स्कूबा डाइव करने पहुंचे। वहां गोमती घाट पर स्थित सुदामा सेतु पार कर पंचकुई बीच इलाके में पहुंचे थे। वहां से वो करीब 2 नॉटिकल मील दूर समुद्र में स्कूबा डाइव के लिए गए। पीएम मोदी ने इसके बाद ओखामुख के भूमि को बैर द्वारका द्वीप से जोड़ने वाले पुल सुदर्शन सेतु का भी अनावरण किया। जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 980 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 2.32 किलोमीटर लंबा केबल आधारित पुल है, देश में सबसे लंबा पुल है। इस पुल में खास तौर से भगवत गीता के श्लोक और भगवान श्री कृष्ण के चित्रण से सुसज्जित एक पैदल पथ है। इसके साथ ही इसमें सोलर पैनल भी लगे हैं, जिनकी क्षमता 1 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने गुजरात को करीब 52,000 करोड़ से ज्यादा नए प्रोजेक्ट्स की सौगात दी है। पीएम ने जामनगर, द्वारका और पोरबंदर जिलों में लगभग 4,000 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि द्वारका धाम को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में विराजते हैं और यहाँ जो कुछ भी होता है वो भगवान श्री कृष्ण की मर्जी से ही होता है। पीएम मोदी ने कहा, उन्होंने समंदर के अंदर जाकर प्राचीन द्वारका जी के दर्शन किए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारका नगरी का निर्माण किया था। दशकों से जो सपना देखा था वो आज इस पवित्र भूमि का स्पर्श करके पूरा हो गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं अंदर से कितना खुश हूँ। पीएम ने कहा कि वो विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करने आए हैं। मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं देव भूमि द्वारिका में भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहां जो कुछ भी होता है वो द्वारिकाधीश की इच्छा से ही होता है। आज सुबह मुझे मंदिर में दर्शन का, पूजन का सौभाग्य मिला। द्वारिका के लिए कहा जाता है कि ये 4 धाम और सप्तपुरी दोनों का हिस्सा है। यहां आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठों में से एक शारदा पीठ की स्थापना की। यहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, रुक्मिणी देवी मंदिर है, आस्था के ऐसे अनेक केंद्र है। और मुझे बीते दिनों देश काज करते करते देव काज के निमित्त देश के अनेक तीर्थों की यात्रा का सौभाग्य मिला है। आज द्वारिका धाम में भी उसी दिव्यता को अनुभव कर रहा हूं। आज सुबह ही मुझे ऐसा एक और अनुभव हुआ। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारिका के बारे में काफी कुछ लिखा है। हमारे शास्त्रों में भी द्वारिका के बारे में कहा गया है, भविष्यति पुरी रम्या,
सद्वारा प्राज्ञ तोरणा चयाटला कर केयूरा पृथ्व्याम ककुदोपमा, अर्थात सुंदर द्वारों और ऊंचे भवनों वाली ये पूरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। द्वारिका नगरी भारत में श्रेष्ठ नगर, उसका आयोजन, उसका विकास का एक उत्तम उदाहरण था। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। मेरे लिए कई वर्षों से, जब मैंने पुरातत्वविदों से ये जाना था, तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अभूत आनंद होगा।